नमस्कार दोस्तों, RSCET की एक और न्यू वीडियो के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम RSCET की न्यू बुक के नोट्स पढ़ रहे हैं, और दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि हमने लेसन 1 को कवर कर लिया है। एंड दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लेसन 2, जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम। तो अगर आपने लेसन 1 को वॉच नहीं किया है तो उसे जरूर वॉच कीजिए, क्योंकि दोस्तों वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, आज की यह वीडियो लेसन 2 का पार्ट 1 है। ओके, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक देखिए, और आपको मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम सूचना प्रणाली के 5 भागों के बारे में जानेंगे, और दोस्तों इसके अलावा हम इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, और ये डिवाइसें कौन कौन सी होती हैं, उन सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे। ओके, तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो पर। रुकिए, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो बिना किसी डिले के। हे दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए लाइफ हैक टीचिंग को एंड प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, ताकि आपको मिल सके कंप्यूटर की अपडेट सबसे पहले। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे है सूचना प्रणाली, यानी कि दोस्तों कंप्यूटर एक सूचना प्रणाली का हिस्सा है। ओके, तो सूचना प्रणाली के 5 भाग होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। 5 भाग कौन कौन से? डाटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर और लोग। ओके, एंड इसके अंदर सबसे पहले आता है डाटा। अब दोस्तों आप कंफ्यूज मत होना कि डाटा और डेटा इसमें क्या अंतर होता है। वैसे थोड़ा बहुत अंतर होता है, जिससे कि जो डाटा होता है वो जो हम इंटरनेट पे यूज करते हैं उसे डाटा कहते हैं। जैसे कि 1 MB हो गया, 2 MB डाटा यूज हो गया, वो डाटा के अंदर आता है। और यहाँ पे दोस्तों हम उस डाटा के बारे में बात करेंगे जो हमारे हमारे मोबाइल में होता है, हमारे कंप्यूटर में होता है, उस डाटा के बारे में हम बात करेंगे। वैसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस इतना ही है कि डाटा और डेटा ये 2 अलग अलग नाम है, बट दोस्तों आजकल डेटा को भी डाटा ही बोल देते हैं, इसके अंदर आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो मैं बात कर रहा था वो डेटा कौन सा होता है। तो दोस्तों वो डेटा होता है जैसे कि इमेज, फोटो, वीडियो, सॉन्ग, ये होते हैं दोस्तों डेटा। ओके, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो इन दोनों वर्ड के बीच में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। ओके, एंड इसके बाद में दोस्तों हार्डवेयर, हार्डवेयर भी सूचना प्रणाली का एक हिस्सा है। दोस्तों हार्डवेयर क्या होते हैं आपको पता है, जिसे हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, वो हार्डवेयर होता है। यानी कि जिसका भौतिक स्वरूप, एक ढांचा जिसको दिया हुआ है, वो हार्डवेयर है। जैसे कि कंप्यूटर के अंदर मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सारे हार्डवेयर कहलाते हैं। ओके, एंड इसके बाद में है सॉफ्टवेयर। वैसे सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम प्रोग्राम होता है, और दोस्तों प्रोग्राम के समूह को भी सॉफ्टवेयर कहते हैं। ओके, जैसे कि पावर पॉइंट हो गया, MS Word, MS Excel, और दोस्तों हजारों सॉफ्टवेयर मार्केट में उपलब्ध है कंप्यूटर के साथ काम करने के लिए। जैसे कि अगर हमें कोई फोटो एडिटिंग करनी है कंप्यूटर के द्वारा, तो हमें फोटोशॉप की आवश्यकता होगी। एंड इसके बाद में है प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होते हैं? ये नियम और दिशा निर्देश होते हैं। चलिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप न्यू मोबाइल लेके आते हो, आप न्यू मोबाइल के साथ जो एक छोटी सी डायरी आती है उसमें उसका मैनुअल, जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर लिखा होता है कि ये मोबाइल है वो कैसे चलेगा, इसके अंदर क्या क्या फीचर हैं, वो जो छोटी सी डायरी होती है वो दोस्तों प्रोसीजर होती है उस मोबाइल की। ऐसे दोस्तों कंप्यूटर के अंदर जितने भी कंप्यूटर के पार्ट होती हैं या सॉफ्टवेयर होती हैं, उनके साथ उनका मैनुअल आता है, जिसे हम प्रोसीजर कह सकते हैं, और ये दोस्तों कंप्यूटर विशेषज्ञ द्वारा लिखे जाते हैं। ओके, एंड इसके बाद में है लोग, यानी कि हम भी एक सूचना प्रणाली के हिस्से हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे बिना तो कंप्यूटर चलना नामुमकिन है। वैसे रोबोट आ चुके हैं, वो भी चला सकते हैं, पर रोबोट इतने भी नहीं चला सकते जितने कि हम चला सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों कवर हो चुका है सूचना प्रणाली। ओके, एंड इसके बाद में हम बात करेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। तो चलिए दोस्तों इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इनपुट डिवाइस होती क्या है। दोस्तों कंप्यूटर के वे हार्डवेयर जो डेटा को कंप्यूटर के अंदर पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं, वो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे कि हमने हमारी वॉइस को रिकॉर्ड करके कंप्यूटर के अंदर रखना है, तो दोस्तों हमें माइक्रोफोन की जरूरत पड़ेगी, और उसके द्वारा हम अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके कंप्यूटर के माध्यम से और कंप्यूटर में उसे स्टोर कर सकते हैं, और भविष्य में कभी भी हम उसे सुन सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइस होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बहुत सारे इनपुट डिवाइस होते हैं, जिनके बारे में हम अभी आगे बात भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम अभी कुछ इनपुट डिवाइस जो कि मुख्य होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर टेक्स्ट वगैरह लिखने के काम आता है। और दोस्तों कीबोर्ड के अंदर बहुत सारी कीज होती है, और कीज को हिंदी के अंदर हम कुंजियां कहते हैं। ओके, तो चलिए मैं आपको कुछ कुंजियों के बारे में भी बताता हूँ। जैसे कि F1 से लेकर F12 तक जो ऊपर वाली
रो के अंदर की है उनको कहते हैं फंक्शन की। ओके, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। इसके बाद में जो सिंबल होते हैं, जैसे कि एट द रेट हो गया, हैश हो गया, डॉलर साइन हो गया, परसेंटेज, स्टार, क्वेश्चन मार्क हो गया, ये सारे होते हैं सिंबल कीज के अंदर। ओके, और इसके बाद में नंबर की होती है उनको कहते हैं न्यूमेरिकल की। और इसके अंदर जो राइट साइड में होता है कीबोर्ड के अंदर, जैसे कि मैंने अभी मार्क किया इसे, हाँ जी इसे कहते हैं न्यूमेरिकल कीपैड। और दोस्तों इसके अलावा नमलोक, कैप्स लॉक और स्क्रोल लॉक, इन तीनों कीज को टॉगल कीज के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये किसी विशेष फीचर को ऑन ऑफ करने के काम आती है। और यहाँ पे जो तीन लाइट दी हुई है, ये तीनों लाइट इन्हीं टॉगल कीज की होती है। ये लाइट ही बताती है कि कौन सी की ऑन है और कौन सी की ऑफ है। अगर इनमें से कोई लाइट ऑन है तो आप समझो कि कोई टॉगल कीज ऑन है। ओके, जैसे कि फर्स्ट लाइट है वो नम लॉक की होती है, सेकंड लाइट कैप्स लॉक की होती है और थर्ड लाइट होती है स्क्रॉल लॉक की। अगर दोस्तों आप नम लॉक को ऑफ करते हो तो जो आपका ये न्यूमेरिकल कीपैड है ये काम नहीं करता। यहाँ पे आप प्रेस करोगे तो न्यूमेरिकल इसमें टाइप नहीं होते। ऐसे दोस्तों जो कैप्स लॉक होता है ये स्मॉल और कैपिटल लेटर में अल्फाबेट को लिखने के काम आता है। और जो ये स्क्रॉल लॉक है इसका यूज एमएस एक्सेल के अंदर होता है स्क्रॉल बार को लॉक करने के लिए। ओके, एंड इसके बाद में है दोस्तों जो ए से लेकर जेड तक की होती है, जो कि बीच में दी हुई है, अल्फाबेट की होती है, इनके बारे में तो आपको पता ही होगा। इसके अलावा कंट्रोल और एल्ट की होती है, इनको बोलते हैं कॉम्बिनेशन की, यानी कि दूसरों के साथ मिला के इनका यूज होता है, अकेले इनका यूज बहुत ही कम होता है। जैसे कि कंट्रोल एस थी कंट्रोल ओ ओपन करने के लिए, कंट्रोल एन नई फाइल लेने के लिए। तो जैसे कि शॉर्टकट कीज के अंदर कंट्रोल और एल्ट का यूज होता है, वैसे कंट्रोल का शॉर्टकट कीज के अंदर बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। और दोस्तों इसके अलावा जैसे कि एंटर हो गया एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने के लिए, या फिर ओके करने के लिए, बैक स्पेस हो गया बाएं साइड के अक्षर को मिटाने के लिए, डिलीट हो गया दाएं साइड यानी कि राइट साइड के अक्षरों को मिटाने के लिए, स्पेस दो अक्षरों के बीच में जगह छोड़ने के लिए, विंडो बटन स्टार्ट मेन्यू लॉन्च करने के लिए। तो ये कुछ मुख्य मुख्य कीज होती है जिनका काफी यूज होता है और एग्जाम में इनके बारे में पूछते भी हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी कीबोर्ड के अंदर कीज होती है जिनका सिंगल सिंगल ही बहुत यूज होता है, पर दोस्तों इंपॉर्टेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। वैसे भी दोस्तों अगर मैं अकेले कीबोर्ड पे वीडियो बनाऊं तो कम से कम 20 मिनट की वीडियो अकेले कीबोर्ड पे बन जाती है। ओके, तो मैंने अभी आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं तो इन भी आप ध्यान दीजिए। और दोस्तों इसके बाद में जो हमारा इनपुट डिवाइस आता है वो आता है स्कैनर, यानी कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है और आप उसे कंप्यूटर में रखना चाहते हो डिजिटल तौर पे, तो आप स्कैनर के द्वारा उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करके आसानी से अपने कंप्यूटर के अंदर रख सकते हो। स्कैनर जो होता है ये किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए लेजर तकनीक का इस्तेमाल करता है। ओके, इसके बाद में इनपुट डिवाइस है MIDI, इसकी फुल फॉर्म होती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। इसका यूज सिंगर्स के द्वारा किया जाता है, यानी कि जो गायक होते हैं उनके जो वाद्य यंत्र होते हैं उनको कंप्यूटर से कनेक्ट करके उनकी जो रिकॉर्डिंग करनी होती है वो दोस्तों MIDI द्वारा होती है। ओके, एंड इसके बाद में दोस्तों नंबर 4 मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, यानी कि MICR। और दोस्तों यह भी एक इनपुट डिवाइस होती है, इसका जो उपयोग होता है वो बैंकिंग उद्योगों में होता है, यानी कि जो हमारे चेक होते हैं बैंकिंग के अंदर उनको क्लियर करना होता है तो वो इसके माध्यम से होता है। ओके, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस होती है। एंड इसके बाद में जो इनपुट डिवाइस है उसका नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी कि OMR। आपने सुना होगा OMR सीट जो होती है, और मेरे ख्याल से आपने देखी भी होगी। और दोस्तों अगर आपने RSCET में एडमिशन लिया है तो आपको पता होगा कि RSCET का जो एग्जाम होता है वो OMR सीट पे ही होता है। तो जो OMR डिवाइस होती है इसका कार्य होता है कि हम जो OMR सीट भरते हैं पेन से या फिर पेंसिल से उसको चेक करना होता है, चुनाव वगैरह या फिर सर्वे वगैरह के अंदर बहुत ही ज्यादा इसका यूज होता है। और दोस्तों इसके बाद में है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, यानी कि OCR। ये भी दोस्तों एक इनपुट डिवाइस होती है, और जो इसका यूज है स्वचालित रूप से डेटा को एंटर करने के लिए, यानी कि ऑटोमेटिक डेटा फिल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, और दोस्तों इसके बाद में है BCR, यानी कि बार कोड रीडर। अब आप मेरे को एक बात बताइए, ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है आपने ये इमेज कहीं पे देखी है क्या? चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये इमेज आपको कहाँ पर देखने मिल सकती है। जैसे कि आपके पेन पे, आपकी नोटबुक पे, आपकी बुक पे ये इमेज आपको मिल जाएगी। और दोस्तों ये होता है बार कोड, यानी कि इसके अंदर लंबी लंबी बार होती है और इन बार के बीच में एक कोड छुपा होता है, तो ये होती है बार कोड। ओके, और इनको जो पढ़ने वाला जो उपकरण होता है वो होता है बार कोड रीडर, और वो इस तरह से दिखाई देता है। ओके, ये बार कोड आप किसी भी प्रोडक्ट पे देख सकते हो, और दोस्तों इसके अंदर उस प्रोडक्ट की जानकारी छुपी होती है जो कि बार कोड रीडर के द्वारा हम पढ़ सकते हैं। ओके,
और दोस्तों इसके बाद में स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस। अब दोस्तों आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि गूगल के अंदर हम गूगल को निर्देश देते हैं ना ओके गूगल बोल के, वैसे दोस्तों कंप्यूटर को भी हम निर्देश दे सकते हैं, उसके लिए हमें माइक्रोफोन की जरूरत पड़ती है ओके। और इसके बाद में दोस्तों वेवकैम, ये भी एक इनपुट डिवाइस होती है। आपने देखा होगा लैपटॉप वगैरह के अंदर एक छोटा सा कैमरा हमारे सामने दिया होता है बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर, ऐसी दोस्तों अगर हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो हमें वेबकैम अलग से खरीद के उसे लगाना पड़ता है। और दोस्तों वेबकैम का यूज होता है कोई फोटो कैप्चर करना या फिर कोई वीडियो को कैप्चर करना ओके। तो दोस्तों ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस। और दोस्तों कुछ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होती है, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस जिसे इनका नाम है वैसे इसका कार्य होता है। दोस्तों पॉइंटिंग डिवाइस होती है जैसे कि माउस है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। आपने देखा होगा जब भी हम कंप्यूटर चलाते हैं तो माउस के द्वारा इस पे एक कर्सर दिखाई देता है जिसे हम माउस पॉइंटर कहते हैं। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी डिवाइस होती हैं जो कि माउस के जैसे ही काम करती हैं, जैसे गेमिंग वगैरह के अंदर काम करती हैं या अदर बहुत सारे वर्क होते हैं ओके। और ये जो पॉइंटिंग डिवाइस होती है ये कंप्यूटर के साथ ज्यादातर यूएसबी पोर्ट के साथ जुड़ती है ओके। चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होती है, जैसे कि माउस, ट्रैक बॉल, टच पैड, ग्राफिकल टेबल, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन एक्स्ट्रा ओके। दोस्तों तो चलिए हम अभी बात कर लेते हैं पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के बारे में। तो सबसे पहले है माउस। अब आपको पता है कि माउस का क्या यूज होता है, तो चलिए माउस के बारे में हम पढ़ते हैं। माउस एक लोकप्रिय इनपुट डिवाइस या फिर पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है ओके दोस्तों। और वर्तमान के अंदर जो माउस आते हैं वो ऑप्टिकल होते हैं, यानी कि इन माउस के नीचे एक लेजर और एक लाइट लगी होती है जिनके आधार पे कार्य करते हैं। पर दोस्तों पहले काफी टाइम पहले क्या होता था, माउस के नीचे एक रबड़ की रोल बॉल लगी होती थी, जब भी वो बॉल घूमती थी तो माउस कार्य करता था। पर दोस्तों आजकल ऑप्टिकल माउस आ चुके हैं जिनके अंदर लेंस और लाइट लगी होती है, उनके आधार पे वो कार्य करते हैं। और दोस्तों कुछ माउस बिना तार के भी होती है जिनको वायरलेस माउस बोलते हैं, और वो कंप्यूटर के साथ ब्लूटूथ माध्यम से जुड़ते हैं। इसके अलावा माउस पे दो बटन होते हैं, इनको बटन भी कह सकते हैं, क्लिक भी कह सकते हैं, एक राइट क्लिक होता है और एक लेफ्ट क्लिक होता है। और दोस्तों बीच में होता है स्क्रॉल व्हील, यानी कि एक पहिए के टाइप का बटन होता है जो कि हमारी स्क्रॉल बार को अप डाउन करने के काम आता है ओके। तो ये था हमारा माउस। एंड इसके बाद में है टच पैड। दोस्तों टच पैड को आप लैपटॉप पे देख सकते हो, यानी कि माउस जो होता है वैसे ही टच पैड काम करता है। टच पैड भी एक पॉइंटिंग उपकरण होता है। और दोस्तों इसके बाद में है ट्रैक पॉइंट। ये जो उपकरण है ये आप वर्तमान के अंदर कोई कोई कीबोर्ड के अंदर या फिर लैपटॉप के अंदर देख सकते हो। यह दोस्तों एक छोटी जॉयस्टिक की तरह होता है और उसी की तरह काम करता है, जैसे कि हम माउस के द्वारा माउस पॉइंटर को इधर उधर लेके जाते हैं स्क्रीन पे, वैसे दोस्तों ये जो ट्रैक पॉइंट होता है इसका भी सेम काम होता है। ये भी माउस पॉइंटर की जो स्थिति होती है मॉनिटर के अंदर उसे इधर उधर या फिर बदलने के काम आता है ओके। और दोस्तों इसके बाद में है जॉयस्टिक। आपको बता दूं जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए बहुत ही लोकप्रिय डिवाइस है। जी हाँ दोस्तों, जिससे कि आपको फोटो में दिखाई दे रहा है यह एक गियर की तरह होता है, जैसे कि आप नॉर्मल किसी गाड़ी का गियर देखते हो वैसे दोस्तों यह होता है, दिखने में उसके जैसा ही होता है। पर दोस्तों यह कंप्यूटर के साथ जुड़ता है और दोस्तों इसके माध्यम से हम आसानी से गेमिंग कर सकते हैं ओके। एंड इसके बाद में है ग्राफिकल टेबल। ग्राफिकल टेबल का यूज चित्रकार के द्वारा किया जाता है, यानी कि उनको कोई पेंटिंग बनानी होती है या फिर कोई वेक्टर इमेज बनानी होती है तो वो ग्राफिकल टेबल के द्वारा आसानी से बना सकते हैं कंप्यूटर के अंदर ओके। तो दोस्तों हमने पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के बारे में भी बात कर ली है, यानी कि हमने जितने भी इनपुट डिवाइस मुख्य होती हैं उन सभी के बारे में बात कर ली है ओके। तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं जो आउटपुट डिवाइस होती है उनके बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आउटपुट डिवाइस जो होती है वो किस लिए होती है, यानी कि इनका क्या काम होता है। तो दोस्तों कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा पड़ा होता है उसे यूजर के सामने प्रदर्शित करने के लिए हमें किसी आउटपुट उपकरण की जरूरत पड़ती है। जैसे कि दोस्तों अगर कंप्यूटर के अंदर कोई सॉन्ग पड़ा है और आपने उस सॉन्ग को सुनना है तो दोस्तों आपके पास स्पीकर होने चाहिए या फिर हेडफोन होने चाहिए। अगर ये दो उपकरण आपके पास नहीं है तो आप उस सॉन्ग को नहीं सुन सकते ओके। ऐसे दोस्तों मॉनिटर जो होता है, मॉनिटर भी कंप्यूटर में क्या चल रहा है वो सारा कुछ हमें प्रदर्शित करता है। तो आप समझ गए होंगे कि आउटपुट डिवाइस हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है ओके। तो आउटपुट डिवाइस के अंदर जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया, हेडफोन हो गया, ये सभी आउटपुट डिवाइस होती हैं। तो चलिए हम कुछ मुख्य आउटपुट डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले है मॉनिटर। आपको बता दूं जो मॉनिटर होता है वो सॉफ्ट कॉपी प्रदान करता है और मॉनिटर भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। पर दोस्तों आमतौर पर मॉनिटर को दो भागों में बांटा गया है,
ए है सीआरटी मॉनिटर, बी है फ्लैट पैनल मॉनिटर। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले सीआरटी मॉनिटर के बारे में पढ़ लेती हैं। दोस्तों सीआरटी मॉनिटर पुराने जमाने की मॉनिटर होती हैं और ये टीवी की तरह दिखाई देती हैं और इनके अंदर एक बड़ी ट्यूब लगी होती है जिसका पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब होता है। इसके अलावा दोस्तों जो मॉनिटर की क्वालिटी होती है वो उसकी रेजोल्यूशन पे डिपेंड करती है, यानी कि जितनी अच्छी रेजोल्यूशन होगी उतनी अच्छी मॉनिटर की क्वालिटी होगी। अब दोस्तों जो रेजोल्यूशन होती है वो कौन बनाता है, वो बनाते हैं पिक्सल। अगर आप किसी मोबाइल या फिर मॉनिटर की स्क्रीन को बिल्कुल पास होकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर छोटे छोटे बॉक्स हैं, उनके माध्यम से पिक्चर बनती है। जी हाँ दोस्तों, उनको बोलते हैं पिक्सल। और दोस्तों एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल के बीच में जो दूरी होती है उसे कहते हैं डॉट पिच। ओके, और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो सीआरटी मॉनिटर होती हैं ये पुराने जमाने की मॉनिटर हैं, तो दोस्तों आज के जमाने के अंदर ये मॉनिटर नहीं चलते हैं। आज के जमाने के अंदर नए मॉनिटर ऐसे बिल्कुल भी नहीं आते हैं, और वैसे भी दोस्तों ये बहुत बड़े होते हैं आकार के अंदर और बिजली की खपत भी इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। तो इसके बाद में है फ्लैट पैनल मॉनिटर, जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। अब दोस्तों जो फ्लैट पैनल मॉनिटर होता है इसके भी दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है LCD और एक होता है LED। अब दोस्तों आपको बता दूं जो फ्लैट पैनल मॉनिटर होता है इसमें TFT का यूज किया जाता है, यानी कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर का। ओके, और LCD की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और LED की होती है लाइट एमिटिंग डायोड। ओके, तो ये जो मॉनिटर होते हैं फ्लैट पैनल ये आजकल बहुत ही ज्यादा प्रचलित हैं, बहुत कम जगह घेरती हैं, लाइट का खर्चा बिल्कुल कम है और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी देती हैं, तो इस कारण ये लोकप्रिय हो चुकी हैं। ओके, तो ये तो थे दोस्तों मॉनिटर। मॉनिटर के अंदर सीआरटी मॉनिटर और फ्लैट पैनल मॉनिटर, और फ्लैट पैनल के अंदर LCD मॉनिटर और LED मॉनिटर। ओके, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस की तरफ जिसका नाम है प्रिंटर। ओके दोस्तों, अब आपको पता है कि किसी भी अब प्रिंटर क्या काम करता है ये तो आपको मेरे ख्याल से पता है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर कुछ भी हमारे डॉक्यूमेंट वगैरह पड़े हैं उनको हमें प्रिंट करना है किसी कागज पे, तो हम प्रिंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो प्रिंटर होती हैं ये हमें हार्ड कॉपी प्रदान करती हैं, जैसे कि मॉनिटर हमें सॉफ्ट कॉपी प्रदान करता है वैसे ही प्रिंटर हमें हार्ड कॉपी प्रदान करते हैं। और प्रिंटर की जो आउटपुट गुणवत्ता है वो DPI में मापी जाती है। DPI की फुल फॉर्म होती है डॉट पर इंच। तो चलिए अभी हम कुछ प्रिंटर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि प्रिंटर को भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। अब दोस्तों जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं इसके अंदर दो प्रिंटर मुख्य हैं, एक तो करेक्टर प्रिंटर और एक होता है लाइन प्रिंटर। ओके, तो करेक्टर प्रिंटर जो होती हैं इनके भी आगे और एग्जांपल हैं, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स और डेजी बहेल। तो अभी हम बात करते हैं करेक्टर प्रिंटर के बारे में। अब इसके नाम से भी आप समझ सकते हो, यानी कि करेक्टर यानी कि एक एक अक्षर करके जो टाइप करते हैं वो होते हैं करेक्टर प्रिंटर। अब दोस्तों जो करेक्टर प्रिंटर होते हैं इसके अंदर भी इसके और उदाहरण है, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स और डेजी बहेल। ये दो प्रिंटर ऐसे हैं जो करेक्टर प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं और ये बहुत ही पॉपुलर होते थे अपने टाइम में, आज नहीं है अपने टाइम में होते थे। ओके, और दोस्तों ये जो करेक्टर प्रिंटर होते हैं इसके अंदर रिबन का इस्तेमाल होता है और ये बहुत ही धीमी गति वाली होती हैं और ये बहुत ज्यादा शोर करती हैं। आमतौर पे इनका यूज जो होता था वो बड़े बड़े व्यवसाय और व्यापारिक कामकाज में होता था। ओके, एंड इसके बाद में है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर भी एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब दोस्तों जो लाइन प्रिंटर है इसके अंदर भी रिबन का इस्तेमाल होता है और इसके भी एग्जाम्पल हैं चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। ये दो लाइन प्रिंटर के अच्छे उदाहरण हैं और यह प्रिंटर 200 से 2000 लाइन प्रति मिनट टाइप कर सकते थे, ये इनकी क्षमता होती थी। ओके, तो ये तो हो गया हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर। अब दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आप कंफ्यूज मत होना कि इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर दो प्रिंटर होते हैं, कौन कौन से, करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। अब दोस्तों करेक्टर प्रिंटर के भी एग्जाम्पल हैं डॉट मैट्रिक्स और डेजी बहेल, और लाइन प्रिंटर के भी एग्जाम्पल हैं चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। ओके, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी इनके अंदर। तो अभी हम बात कर लेते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर को मोटे तौर पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ओके, तो अभी हम पढ़ लेते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बहुत ही कम आवाज करती है, यानी कि बिल्कुल ना के समान आवाज करते हैं। और दोस्तों इसके अंदर इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर, ये तीन प्रिंटर मुख्य हैं। तो चलिए इनके बारे में हम पढ़ते हैं। इंकजेट प्रिंटर, ये प्रिंटर छोटी छोटी बूंदों का छिड़काव करके प्रिंटिंग का कार्य करते हैं। और दोस्तों इसके अंदर हम भिन्न भिन्न रंगों का यूज कर सकते हैं
और ये काफी सस्ते होते हैं और ये लंबे समय तक चलते हैं। पर दोस्तों लंबे समय तक चलने के साथ साथ इनका जो कार्टेज होता है उसके कारण ये महंगे भी पड़ते हैं। कार्टेज तो आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो देख लीजिए। ये होता है कार्टेज और ये इंकजेट प्रिंटर के अंदर लगाया जाता है और इस कार्टेज के अंदर रंग होता है जिसके माध्यम से हम दस्तावेज वगैरह या फिर इमेज वगैरह को प्रिंट कर सकते हैं। ओके, और दोस्तों इसके बाद में है लेजर प्रिंटर। इनका इस्तेमाल कार्यालय और व्यवसायिक तौर पे किया जाता है और ये प्रिंटर ज्यादातर मोनोक्रोम का यूज करते हैं। दोस्तों मोनोक्रोम ब्लैक कलर को बोलते हैं, यानी कि इन प्रिंटर के अंदर ज्यादातर ब्लैक कलर का यूज होता है। ओके, और दोस्तों यह प्रिंटर महंगे होते हैं, इनके अंदर भी हम भिन्न भिन्न रंगों का यूज कर सकते हैं और दोस्तों इंकजेट प्रिंटर की अपेक्षा ये काफी तेज होती हैं। और दोस्तों इन प्रिंटर की जो गति होती है वो ppm में मापी जाती है, यानी कि पेज प्रति मिनट, अर्थात एक मिनट में कितने पेज ये प्रिंट करते हैं उसके आधार पे। ओके, इसके बाद में दोस्तों थर्मल प्रिंटर। ये प्रिंटर दोस्तों कुछ भी प्रिंट करने के लिए गर्म तत्वों का यूज करते हैं और यह प्रिंटर ज्यादातर ATM मशीन के अंदर जो हमें रिसिप्ट मिलती है उसे प्रिंट करने के लिए यूज होती हैं। और दोस्तों थर्मल प्रिंटर के अंदर जो कागज यूज होता है वो होता है हीट संवेदनशील कागज, यानी कि हीट सेंसिटिव पेज होता है। ओके, और दोस्तों इनकी लागत होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे प्रिंटर, यानी कि प्रिंटर को दो भागों में वर्गीकृत किया था, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटरों के अंदर हमने तीन प्रिंटर के बारे में बात की है, कौन कौन से, इंकजेट, लेजर और थर्मल। ओके दोस्तों, तो ये थे प्रिंटर, अभी हम चलते हैं। तो नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है और इसका क्या यूज होता है? इसका यूज इंजीनियर वगैरह करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग प्लान हो गया, सर्किट डायग्राम हो गया, ये सारे काम इंजीनियर करते हैं और दोस्तों वो प्लॉटर का यूज करते हैं। ओके, एंड इसके बाद में दोस्तों स्पीकर। स्पीकर के बारे में तो दोस्तों आपको पता ही है, ये आउटपुट डिवाइस तो होता ही है, जैसे कि प्लॉटर होता है वो भी आउटपुट डिवाइस होता है और दोस्तों स्पीकर है ये भी आउटपुट डिवाइस है और यह साउंड को कंप्यूटर से बाहर निकालता है। ओके, और दोस्तों इसके बाद में है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। मेरे ख्याल से आपने इसके बारे में सुना होगा, देखा भी होगा, बाकी आप पिक्चर में देख सकते हो। ये जो डिवाइस होती है इसका यूज करते हैं, जैसे कि आपने सिनेमाघरों में देखा होगा एक बड़े सारे पर्दे पे फिल्म चलती होती है, तो दोस्तों वहां पे इसी का यूज करते हैं। और इसके अलावा जैसे कि कोई मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होती है आदि के अंदर प्रेजेंटेशन देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आउटपुट डिवाइस, यानी कि जितने भी आउटपुट डिवाइस हमारे सिलेबस के अंदर थे वो सभी कवर हो चुके हैं। अब दोस्तों हम कुछ ऐसे डिवाइस के बारे में बात करते हैं जो इनपुट भी होते हैं और आउटपुट भी होती हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है दोस्तों फैक्स मशीन। मेरे ख्याल से आप में से किसी ने भी फैक्स मशीन को नहीं देखा, पर आप देख लीजिए। ओके दोस्तों, पहले किसी डॉक्यूमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजने के लिए फैक्स का यूज करते थे। ओके, चलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। यानी कि ये फैक्स मशीन है, यहाँ पे पड़ी है, और ये एक फैक्स मशीन है, ये यहाँ पे पड़ी है। यानी कि ये जो दो फैक्स मशीन है ये अलग अलग स्थान पे पड़ी है। अब किसी व्यक्ति को, यानी कि राम को, श्याम के पास फैक्स करना है। अब श्याम उससे काफी दूर है, तो राम क्या करेगा, राम जो भी उसका डॉक्यूमेंट है वो उस फैक्स मशीन के अंदर लगा देगा और दोस्तों ये फैक्स मशीन यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करके आगे वाली फैक्स मशीन के पास भेज देती थी और दोस्तों वो फैक्स मशीन उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके शाम के सामने प्रेजेंट कर देती थी और शाम उसे आसानी से पढ़ सकता था। तो दोस्तों ये प्रक्रिया होती थी फैक्स मशीन की पहले। बट आजकल तो जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ की ओनली एक सेकंड में हम कहीं पे भी हमारे डेटा को भेज सकते हैं। ओके, तो ये थी फैक्स मशीन। और इसके बाद में है मल्टीफंक्शन उपकरण, यानी कि MFD। अब दोस्तों ये उपकरण, यानी कि दो उपकरण को मिला के बनते हैं। जैसे कि आपने ये वाली मशीन तो देखी होगी नॉर्मल किसी भी ई मित्रा वगैरह के शॉप पे। अब इस मशीन का कार्य क्या है, ये दोस्तों स्कैन भी करती है, प्रिंट भी करती है और फोटोकॉपी भी निकालती है। यानी कि तीन मशीनों को इस एक मशीन में फिट किया गया है। तो दोस्तों ये होते हैं मल्टीफंक्शन उपकरण। ओके, इसके बाद में दोस्तों मॉडेम। मॉडेम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, और इसका जो उपयोग है वो टेलीफोन लाइन से इंटरनेट चलाना। ओके, यानी कि यह डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करती है। ओके दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारी डिवाइस होती हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों कार्य करती हैं, जैसे कि टच स्क्रीन डिस्प्ले, डिजिटल कैमरा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ओके दोस्तों, तो आज की स्पीड में हमने पढ़ लिया है, क्या पढ़ा है, जैसे कि सूचना प्रणाली, इनपुट डिवाइसों के बारे में, आउटपुट डिवाइसों के बारे में
और इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइसों के बारे में। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए। और दोस्तों इसके अलावा अगर आपका कोई सुझाव है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और दोस्तों एक बात और बोलता हूँ, प्लीज इस वीडियो को ना शेयर कीजिए, कम से कम एक शेयर कीजिए बट जरूर कीजिए। ओके, और अगर आप न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए लाइफ हैक टीचिंग को, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे स्पेशल RHIIT की वीडियो तो आती ही है और भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल हम यहाँ पे शेयर करते हैं। और दोस्तों अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप learnRHIIT.com पर जाके इसे पढ़ सकते हो। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए लाइफ हैक टीचिंग को एंड प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, ताकि आपको मिल सके कंप्यूटर की जानकारी सबसे पहले। तो दोस्तों मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक गुड बाय, टेक केयर।